नमस्कार, मेरा नाम अंजलि देवी, मेरा पुत्र का नाम कृष कुमार, मेरा बेटा का मतलब हार्ट का प्रॉब्लम था, इसी हॉस्पिटल में लान के मैं दिखाया हूँ। डॉक्टर नंदनी से मेरा मैक्री सर्जरी हुआ है, अब बच्चा भी ठीक है। ऐसा तो कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन था ऐसे देखने में तो मुझे कोई समस्या नहीं लगता था, लेकिन अंदर से प्रॉब्लम था। दिखाएं उसका आँख में चोट लगा तो मतलब दिखाएं तो बोला कि नहीं, इसका हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं ऑपरेशन करूँगी लेकिन रिस्क नहीं लूँगी। तब मैं वहाँ मिली रांची में सर से, तो सर बताएं तो यहाँ लेके आए। सर का मैं शुक्रवादर करता हूँ, ये हॉस्पिटल का मैं धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर देवव्रत नंदी, मैं बच्चे का हार्ट का डॉक्टर हूँ। इस बच्चे को मैंने बाहर का आउटडोर क्लिनिक में देखा था। बच्चे का जो मेन प्रॉब्लम था वो है कि इसका हार्ट का वाल्व का सीवियर ब्लॉकेज था, जिसको हम मेडिकली बोलते हैं सीवियर वाल्वर पल्मोनरी स्टेनोसिस। नॉर्मली हम लोगों का हार्ट में चार चेंबर और चार वाल्व होते हैं, दाहिने तरफ का दो चेंबर और दो वाल्व और बाएं तरफ का दो चेंबर और दो वाल्व। लंग्स का जो नस होते हैं, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसका जो वाल्व था पल्मोनरी वाल्व, वो सीवियरली ब्लॉकेज था इस बच्चे के लिए। इसके लिए जो सिम्टम्स होते हैं वो है सांस का तकलीफ, कभी कभी नीलापन हो जाना। इस वाल्व का ब्लॉकेज को हम लोग माइक्रो सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। जो प्रोसीड्योर हुआ है इस बच्चों का, उसका नाम है बेलून पल्मोनरी वाल्वुलोप्लास्टी। इसमें बिना काटा छेड़ा करके हम माइक्रो सर्जरी के तरह ही हम लोग इस वाल्व का ब्लॉकेज को पूरी तरह से खोल सकते हैं। शरीर का जो वेंस मतलब नस होता है, इस नस से हम लोग कैथेटर और बेलून लेके वाल्व के अंदर वो बेलून को वेरी जेंटली और स्लोली इन्फ्लेट करके वाल्व का ब्लॉकेज को हम दूर कर देते हैं। ये जो माइक्रो सर्जरी या ट्रांस कैथेटर टेक्निक है, इसका बहुत सारे एडवांटेज है। पहले एडवांटेज तो ये है कि कोई स्कार मार्क नहीं रहता, शरीर में कोई काटा छेड़ा दाग नहीं रहता, बाहर से पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। दूसरी बात तो ये है कि इस ऑपरेशन में जनरल एनेस्थीसिया नहीं लगते, हम लोग उसको थोड़ा सा दवाई देके सुला देते हैं ताकि उसको कोई पेन महसूस ना हो। ये ऑपरेशन यूजुअली 30-45 मिनट्स लगते हैं और इसके बाद बच्चा एकदम खेल कूद अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है। ओपन हार्ट सर्जरी में यूजुअली रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है, बट माइक्रो सर्जरी में यूजुअली सेम डे रिकवरी हो जाता है और हम लोग एक दिन ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग बच्चे को डिस्चार्ज कर सकते हैं।